आपका? मनीष कुमार शास्त्री। कहाँ रहते हैं? दीनदयालपुर। क्या मामला आया था यहाँ का? कान ला रहे, कान। मामला ये है, कान लाओ, कान। कि महाराज जी के साथ यहाँ पे आकर के इन्होंने पिटाई करी, किवाड़ फिवाड़ तोड़ करके बहुत बुरी बदतमीजी की, जिसमें जो है महावीर सिंह आर्य ये थे और मोमडंस थे। क्या कोई व्यक्तिगत दुश्मनी मानते हैं महाराज जी से? अब ये उनका आंतरिक मामला होगा, वो ना कभी यहाँ आते हैं ना जाते हैं, लेकिन उनका तो इस तरीका से कृत्य समझ में नहीं आ रहा क्यों किया उन्होंने ऐसा। नाम है आपका? दिगंबर नारायण गिरी। दिगंबर नारायण जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं आप भूतेश्वर महादेव बुरासी में रहता हूँ। किस तरीके का हादसा हुआ है आपके साथ में? शाम को रात को मैं यहाँ कमरे के अंदर सो रहा था, कुछ अलग लोग आकर के, कुछ हिंदू थे कुछ मुसलमान नेतागिरी, बहुत बड़ा गुमराह बना करके पुलिस वालों को संग लेकर के मेरे गेट के अंदर घुस गए और मुझे वहाँ जो ब्लड वगैरह दिखाया है वहाँ लेटा हुआ था और मारते हुए थाने ले गए। आपसे कोई रंजस मानते हैं? कौन लोग थे वो? कुछ लोग मानते हैं। किस कारण रंजस मानते हैं और कौन लोग थे वो? कुछ मुसलमान थे, उनको एक आध के नाम जानता हूँ, नाज मिर्जा वगैरह, और उनके साथ काफ़ी लोग थे और महावीर ठाकुर था। अगर वो नहीं आता तो कोई नहीं आता यहाँ। शाम को आराम से मैं सो रहा था, रात को कोई 10-11 बजे का हादसा है, मुझे नहीं पता, और उन्होंने जाते ही अंदर मारपीट चालू कर दी। कोई कह रहा था मारो मत बाबा को पकड़ लो, कोई कह रहा था मार दो थाली जान से, ऐसी मारपीट होती रही और कभी 10-10 लोगों ने मुझे कब्जे में किया, मुझे नहीं पता वो कौन कौन थे। इन लोगों को 2-3 को 4-5 को जानता हूँ, उनके पकड़ते ही सबको पता पड़ जाएगा। थे लोग काफ़ी 20-25 लोग होंगे, कम से कम 30 भी हो सकते हैं। किस कारण आपसे रंजस मांगते हैं? कोई तो वो प्रधानी के इलेक्शन, ये पब्लिक चाहती है कि वो बाबा को, मैंने तो मना किया, कोई इलेक्शन प्लेस नहीं लूँगा बाबा होकर, मुझे क्या मतलब है, मगर उनकी समझ में कुछ रहता आया है। तो क्या लग रहा है आप बाबा होकर प्रधानी लड़ेंगे? मुझे तो कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पब्लिक फिर भी चाहती है तो वो देखा जाएगा, मगर अपनी कोई इच्छा नहीं है। तो अब क्या लग रहा है आपको, किस तरीके की? कुछ नहीं चाहता हूँ, क्या पता ये तो भोलेनाथ निर्णय करेंगे। अभी साथ तो ये, मैं तो मंदिर भी छोड़ के चला गया मगर आज तक कोई सुनवाई ना होने का कारण बस। आपको अभी भी भय बना हुआ है? आज भी इतना बड़ा भय है कि मैं आ गया हूँ मगर अपने पर विश्वास नहीं है। मगर योगी सरकार में क्या योगी अभी भी असुरक्षित लग रहे हैं? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इतना थाने में पड़ने के बाद, यहाँ से पीटने के बाद, वर्दी वाले साथ होने के बाद, पढ़े लिखे पहुँचने के बाद, 20-25 गांव के लोग पहुँचने के बाद, सब कुछ होने के बाद बाबा को हथकड़ी डाल करके वो डली हुई को छुड़ा लाए, उसके बाद कोई निकाली नहीं, इस बात का दुख है इन लोगों को। तो रात में चलो वैसे मेरे साथ जो भी कुछ हुआ, फिर उसके बाद तो अधिकारी कर्मचारी पब्लिक के सबके हाथ में आ गई। आपको थाने में रखा गया था? फिर मैं भी चला गया। आपको थाने में भी रखा गया था? थाने में भी रखा गया था। कैसे छोड़ा?